बता दिया कि पहले दूसरी गाड़ी में दिखा, उसके बाद दूसरी गाड़ी में। देखिए मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है, उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। दो दिन लगातार दो अपराधी पुलिस की बंदूक छीन कर भाग जाता है, ये कैसा संयोग है सर? देखिए सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है, बहुत ही साहसिक, करेजियस जिसे मैं कहूंगा, एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहां पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है, और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। सर दो दिन में दो अपराधी लगातार बंदूक छीनकर कैसे भाग रहे हैं? वक्त की जो सबसे बड़ी विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी हुई जो ताजा अपडेट है, वो चार ताजा अपडेट आपके सामने मैं रख रहा हूं। सबसे पहले ये कि जो तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है और उसमें से दो लोगों को गोलियां लगी हैं। एक शख्स के हाथ में गोली लगी हुई जो कि छूते हुए रगड़ते हुए गोली निकल गई, दूसरे पुलिस एसटीएफ के कर्मी के पैर में गोली लगी और गोली छूते हुए निकल गई, यानी कि खतरे से बाहर वो तीनों के तीनों पुलिसकर्मी। एक दूसरा इसका पहलू जो दूसरी जानकारी दी गई डॉक्टर की तरफ से, अस्पताल की तरफ से, कि विकास दुबे को चार गोलियां मारी गई, चार गोली में से तीन गोली उसके सीने पर लगती है, एक गोली जो कि उसके हाथ में लगती है, वे विकास दुबे को चार गोलियां मारी गई। और एक जो बड़ी जानकारी और आई कि विकास दुबे को जिस गाड़ी में लाया जा रहा था मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जिस गाड़ी में विकास दुबे को बिठाया गया था, उसी गाड़ी में आकर के जो हादसा हुआ और उसी गाड़ी से निकल करके भागने की कोशिश विकास दुबे ने की, यानी कि बीच में गाड़ी बदली नहीं गई। अब से थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने ये सवाल उठाया था और अपने सहयोगी नरेंद्र यादव से ये सवाल मैं पूछ रहा था कि आखिर गाड़ियों के बदलने की जरूरत क्यों पड़ी थी, ऐसी खबरें आ रही हैं, आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि हो पाई कि नहीं, अब उसका जवाब पुलिस की तरफ से दिया गया है। इस वक्त ये कहा गया है कि गाड़ियों का तबादला नहीं किया गया, जिस सफेद गाड़ी में मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को लेकर के उत्तर प्रदेश की एसटीएफ निकली थी, उसी गाड़ी में कानपुर लेकर के उसे पहुंचा गया था और उसी गाड़ी का हादसा हुआ था। ये तीन तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे को जिस वक्त मार गिराया उससे जुड़ी हुई ये तीन तस्वीरें अलग अलग जगहों की है, लेकिन इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो ये कि चार महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त अस्पताल की तरफ से और यूपी पुलिस की तरफ से सामने आई है। विकास से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण जानकारी, पहली जानकारी ये कि विकास दुबे को जिस गाड़ी में बिठाकर लाया जा रहा था उसी गाड़ी में कानपुर तक लाया गया और उसी गाड़ी का हादसा हुआ था, एक यानी कि कोई गाड़ी नहीं बदली गई, दूसरा यह कि विकास दुबे को चार गोलियां लगी हुई थी, यह डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि विकास दुबे को तीन गोलियां सीने में लगी हुई थी, एक गोली हाथ में लगी हुई थी। विकास दुबे से जुड़ी हुई इस वक्त की दो महत्वपूर्ण जानकारियां, और खास तौर पर उस वक्त जिस वक्त विकास दुबे का एनकाउंटर हो रहा था उस बीच में तीन पुलिसकर्मी, तो ये महत्वपूर्ण बयान दो तरह से, विकास दुबे से जुड़ी हुई और उन तीन पुलिसकर्मियों से जुड़ी हुई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिसकर्मियों के पैर में और हाथ में सिर्फ गोली लगी और छू करके गोली गुजरी है, यह कहना अस्पताल का। लेकिन इस बीच में कंट्राडिक्टरी बयान किस तौर पर पुलिस की तरफ से, आईजी की तरफ से सामने आया, आईजी की तरफ से यह कहा गया कि गाड़ियों का तबादला नहीं किया गया, यानी कि गाड़ी नहीं बदली गई है मध्य प्रदेश से जिस गाड़ी में उसे लाया जा रहा था, लेकिन दो गाड़ी टाटा सफारी में मध्य प्रदेश से विकास दुबे को लेकर के उत्तर प्रदेश की एसटीएफ निकलती है। टाटा सफारी बीच की जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, यानी कि हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तीन तस्वीरें दिखा रखी हैं, एक हादसा जो जिसमें कि आप कानपुर की तस्वीर, दो जगह की तस्वीर है, एक झांसी की तस्वीर है, मगर टाटा सफारी में विकास दुबे को लेकर के, ये देखिए ये टाटा सफारी का लोगो आगे दिख रहा है, उसी गाड़ी के अंदर विकास दुबे बीच में बैठा हुआ है, ग्रीन कलर का, ये ब्लू कलर का, लाइट कलर का मास्क उसने चेहरे पे पहन रखा है, और ये टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के सामने वहां पर जो कुछ और लोग खड़े हुए हैं वो लोग खड़े होकर के वो अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीरें भी कैद कर रहे हैं।
लेकिन पुलिस ये कह रही है कि गाड़ी नहीं बदली गई, क्योंकि गाड़ी का जिस गाड़ी का हादसा हुआ वो हादसा एक्सयूवी गाड़ी का हुआ है। जो गाड़ी पलटी हुई हमने आपको दिखाई थी वो एक्सयूवी गाड़ी का हादसा हुआ। एक बार फिर से उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस गाड़ी के जरिए हादसा हुआ और जिस गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था। आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से यह कंट्राडिक्टरी बयान क्यों दिया गया? और यह वो सिक्वेंस है रात के 3:16 पर झांसी विकास दुबे की गाड़ी पहुंचती है, यानी कि मध्यप्रदेश से निकल करके एसटीएफ की टीम जब उसे कानपुर लेकर के आ रही थी, 3:16 रात के हो रहे थे, उस वक्त पहुंचती है विकास दुबे को गाड़ी लेकर के। और ये गाड़ी जैसा कि आप दे रहे टाटा सफारी गाड़ी थी, रात 3:16 तक टाटा सफारी गाड़ी में वो शख्स था। सुबह 4:50 पर जलौन में